तो हर साल की तरह इस साल भी हमें पिकनिक के लिए जाना था करली झील। करली झील का रांची से 117 किलोमीटर दूर है, इसीलिए हम रात में निकल गए थे 3:30 बजे। हम डायरेक्ट गए थे करली झील, तो हम सुबह पहुंच गए थे 6 बजे। करली झील जो है पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट झील है। 6 बजे हम आ गए थे, अभी 7 बज रहे हैं और अभी हट में जो एक नाश्ता है वाश्ता रेडी हो रहा है, तो आप लोगों को नाश्ता दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ताज़ा जो है हलवा पराठा बनाया जा रहा है। हमारी पूरी टीम बैठी है। ये हलवा रखा हुआ है, पूरी का इंतजार हो रहा है। ये भाई पूरी भी आ गई। नाश्ता कर ले यार। जी जी कर रहे हैं भाई। कल से तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है नाश्ता। अच्छा चले अभी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा चलो यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, तो फिर हमने नाश्ता करने के बाद फिर हम चले गए नहाने। नहा कर जब हम आए तो भाई सारी रात के जागे हुए थे, तो उसके बाद मैं सो गया था 1 घंटे। 1 घंटे सोने के बाद फिर मैं दोबारा उठा, तो फिर मैं नहाने चले गया था। नहा के आने के बाद खाने के टाइम पर आए, खाने में थी भाई बिरयानी। और बिरयानी के बाद ड्यू हो तो क्या ही बात है। वो खाना खाने के बाद भाई नहा कर आओ और आपको पकोड़े और पापड़ दिए जाएं। उसके बाद फिर चाय, तो क्या ही बात है भाई। और अगर आप करली झील गए और आप वहाँ स्टीमर में नहीं बैठे, स्टीमर यानी कश्ती में नहीं बैठे, तो आप करली झील गए क्यों, ये बताओ।
बहुत मजा आया भाई। तो ये था हमारा करली का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।